हैप्पी दिवाली एवरीवन। तो आज है धनतेरस का दिन और हम रेडी होकर के जा रहे हैं शाम को मार्केटिंग करने। चलिए आज चलते हैं और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। घर से निकलते हुए यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुली बिल्डिंग्स को सजाया गया है, आप देख सकते हैं ये पूरी सोसाइटी इतनी ज़्यादा डेकोरेटेड है। यहाँ पे डेकोरेशन के साथ साथ ये फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे हम बढ़े और वहाँ पे हमने देखा कि कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी की बहुत सारी प्रतिमाएं थी, तो हमने भी इस स्टॉल में थोड़ा बहुत देखा। इस शॉप से हमें जो कुछ भी परचेज करना था उसके बाद हम जा रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पे लाइट्स भी बिक रही थी और यहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे जिसमें कि प्रतिमाएं मिल रही थी। और साथ के साथ ये आप देख सकते हैं ये दिवाली पे प्रयोग होने वाली गुड़िया। यहाँ पे आपको डेकोरेशन के लिए दिए भी मिल रहे थे और रंगोली की छन्नियाँ भी मिल रही थी, रंगोली की कलर्स भी मिल रहे थे और इसी तरीके से पूरा मार्केट भरा हुआ है। चलिए आगे और एक्सप्लोर करते हैं। तो इस दुकान पे बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मालाएं देख सकते हैं आप, बहुत सारी मालाएं यहाँ पे दिख रही हैं और यहाँ पे भी डेकोरेशन का बहुत सारा सामान है। चलिए आगे चलते हैं। सबने अपने बहुत ही खूबसूरती से स्टॉल लगाए हुए हैं जहाँ पे आपको डेकोरेशन के लिए स्टिकर्स भी दिख जाएंगे, लाइटिंग्स भी दिख जाएंगी और फूल मालाएं भी दिख जाएंगी। इस शॉप पे हमें कैंडल्स के साथ साथ कुछ पटाखे भी दिख रहे हैं और ये टॉय गन्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। आगे चल के देखते हैं। तो हम आ गए हैं एक और नई शॉप पे जहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं भी हैं गणेश लक्ष्मी जी की। और ये देखिए, इसको देख करके तो पक्का आपको अपने बचपन की याद आ ही गई होगी। मार्केट में पानी से चलने वाले दिए भी अवेलेबल हैं। इस पे बस आपको थोड़ा सा पानी डालना होता है और इनकी लाइट ऑन रहती है 1-1.5 घंटे तक। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे, कुछ तो मैंने भी परचेज कर लिए। क्योंकि ये धनतेरस का दिन है तो लोग बहुत सारी झाड़ू भी परचेज कर रहे थे, तो आपको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे झाड़ू के ठेले भी दिख जाएंगे। यहाँ पे इन लोगों ने लाइटिंग के साथ साथ स्टील के बर्तन भी लगाए हुए हैं जो लैंप्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चल करके देखा तो यहाँ पे भी फूल मालाएं बहुत सारी थी और घर के सजावट की चीजों के साथ साथ तोरण जो है वो भी मिल रही थी। इस शॉप से लोग खीर बताशे खरीद रहे थे। चलिए अब देखते हैं आगे। चलने के बाद हमें ये दिखती है बहुत बड़ी सी शॉप जहाँ पे फूल मालाएं और सारा डेकोरेशन का सामान तो अवेलेबल था ही। अंदर चल करके हमने देखा तो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं भी थी। डेकोरेशन का सामान देख करके आपका मन करेगा कि ये सब कुछ घर ले जाओ।
बाद हमें यहाँ पे दिखे डोसे बनते हुए जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहे थे देखने में भी और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। मार्केट में शॉपिंग करते हुए अगर आप थक गए हैं तो आप जूस भी पी सकते हैं। काफी टाइम स्पेंड करने के बाद हमने सारी परचेजिंग कंप्लीट कर ली है और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। रास्ते में वॉक करते हुए हमें आसपास की बिल्डिंग्स भी देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, तो आपको भी थोड़ा सा ग्लिम्प्स दिखा देते हैं। कैसी जा रही है आप लोगों की दिवाली की शॉपिंग और दिवाली की तैयारियां, मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप सभी को हैप्पी दिवाली।